हमने जो RTI फाइल किया था सेंट्रल बोर्ड में कि किस जोन में कितना फॉर्म भरा है, ऑल जोन का डेटा मांगे थे, उसका रिप्लाई आ गया। तो वीडियो को अंत तक वॉच करें, सब कुछ पता चल जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस जोन में कितना, कौन सा जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है टोटल। तो हमने RTI फाइल किया था, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने क्वेश्चन क्या किया था। सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो मैंने ये पूछा था कि आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ प्रोवाइड द डेटा ऑफ ऑल RRB जोन वाइज टोटल फॉर्म फिलअप इन JEE रेलवे रिक्रूटमेंट। मतलब ओवरऑल ये पूछे थे कि हमें पूरा डाटा बताइए RRB जोन वाइज टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, और ये सेंट्रल रेलवे बोर्ड में डाले थे और ऑल जोन का एक ही बार डाटा मांग रहे थे RTI में। तो क्या कुछ रिप्लाई आया है? इसके लिए हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं, और क्रोम के ओपन करने के बाद वेबसाइट ओपन करते हैं RTI का। तो जैसे ही व्यू स्टेटस करते हैं, उसके बाद अपना डेटा डालते हैं। तो गाइज, हम अपना डेटा डाल दिए हैं, तो यहाँ पे सबमिट करते हैं। वैसे ही स्टेटस का जो भी है वो खुलेगा। तो यहाँ पे हाँ, तो फाइनली ओपन हो गया है। तो सेंट्रल बोर्ड से पूछे थे, तो सेंट्रल बोर्ड ने ट्रांसफ़र कर दिया, ने मुंबई को ट्रांसफ़र किया है। तो देखिए कि 12 तारीख को हमने डाला था और आज 1 अक्टूबर को आया है रिप्लाई कॉपीज़ इनक्लोज्ड। मतलब एक PDF आया है, उस PDF में क्या कुछ बोला गया है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्पोज ऑफ हो चुका है मेरा RTI फाइल। तो PDF जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहेंगे कि क्या आया है कि आपका जो है कि RTI का आया था वो CN03/2024 JEE रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इसमें रिप्लाई आया है कि इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ अंडर प्रोसेस। मतलब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, ये जो भी वैकेंसी है वो अंडर प्रोसेस है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मे बी डिस्क्लोज आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज़ कम्प्लीटेड अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अंडर RTI एंड दिस इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोवाइड एट दिस स्टेट। ओवरऑल एक आया कि जो भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप पूछ रहे हैं वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और इसको डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं बता सकते हैं जब तक कि फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट का ना हो जाए। मतलब ये पूरा वैकेंसी कंप्लीट ना हो जाए तब तक नहीं बता सकते हैं। कांट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड एट दिस स्टेट, इस स्टेज पे नहीं बता सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं रिप्लाई से तो 30 डेज के अंदर आप पर सेक्शन 19 के तहत RTI 2005 के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट अपीलिएट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका कुछ रहता है कंडीशन। ऐसे एक कंडीशन रहता है कि आफ्टर वैकेंसी के बाद बताया जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इनका ये कहना है। तो ओवरऑल बात यही है कि आप आराम से कोई भी जोन में फॉर्म फिलअप किए हैं, आपको आप तैयारी कीजिए, आराम से पढ़ाई पे फोकस कीजिए। फालतू किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद बोर्ड बोल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकते हैं। कोई कोई बोर्ड दे रहा है, वो डैट इज़ एक्सेप्शनल, बट आपको आँख बंद करके आराम से प्रिपरेशन करना है। फालतू का किसी भी डिस्ट्रैक्टिव वीडियो के ऊपर नहीं जाना है। तो तैयारी करते रहें, सब जोन अच्छा रहता है, कोई जोन अच्छा बुरा नहीं रहता है। ओवरऑल योर सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन योर क्या आप कितना आप उस पर मेहनत कर रहे हैं और उस पर कितना डेडिकेट हैं। तो यही ओवरऑल था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि RRB से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल पे आता है। तो ओके, 10 रुपया मेरा वेस्ट हो गया है।
थैंक यू आरटीआई करने में।